दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आयुष्मान कार्ड का नया पोर्टल आया है। इस नए पोर्टल से आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बिना सीएससी आईडी के आसानी से बना सकते हैं। सो पिछली वीडियो मैंने आपको कंप्यूटर से इस नए पोर्टल से आयुष्मान कार्ड कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस नए पोर्टल से आप अपने मोबाइल से ही किसी का भी आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे। सो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, मोबाइल से ही आप आसानी से आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे NHA बेनिफिशियरी, फिर सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा उसे आप ओपन करेंगे। वैसे मैंने इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर आपके सामने आयुष्मान कार्ड का न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप चाहें तो बेनिफिशियरी और ऑपरेटर के तौर पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी से लॉगिन करना है। तो बेनिफिशियरी को चेक रहने देंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, फिर इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का एक सिंपल सा डैशबोर्ड आएगा। तो किसी का भी आयुष्मान कार्ड यहाँ से बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में ढूंढना होगा। तो इसके लिए आपको सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है। आपके सामने सभी स्टेट की लिस्ट आएगी, इसमें से आप अपने स्टेट नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पीएम जय ही सेलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आएगी। अब यहाँ पे सर्च बार में थोड़ा ध्यान देंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी बेनिफिशियरी का नाम या अपना नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में, आप चाहें तो अपने फैमिली आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, नाम या लोकेशन का डिटेल देकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी और आसानी से अपना नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में ढूंढ पाएं, तो इसके लिए आपको यहां पर आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप यहां पर नाम या लोकेशन का डिटेल देकर अपना नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फैमिली आईडी खुलकर आ जाएंगे और उसमें से आपको नाम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो सबसे आसान आपके लिए रहेगा आधार कार्ड नंबर, तो आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब आधार कार्ड नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अपने सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड नंबर को बारी बारी से देकर सर्च करके ये चेक करना है कि आपका नाम या आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर का नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में है या नहीं। अगर अपना आधार कार्ड नंबर देने के बाद सर्च करने पर नो फैमिली फाउंड का मैसेज आता है, नो बेनिफिशियरी फाउंड का मैसेज आता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपने घर के सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड नंबर को बारी बारी से देकर यहां पर सर्च करके चेक करना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद नीचे आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वन फैमिली फाउंड होकर आया है, आपका फैमिली आईडी नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे सभी मेंबर का यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर फादर नेम और रिलेशन लिखा होगा। अब यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके फैमिली में किसका किसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। जिस नाम के सामने आपको EKYC स्टेटस में वेरीफाइड और कार्ड स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। और जिस नाम के सामने आपको EKYC स्टेटस में आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड का स्टेटस दिखता है तो इसका मतलब है कि उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। आप चाहें तो उसका भी आयुष्मान कार्ड यहाँ पर उसका EKYC करके बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, जिस नाम के सामने EKYC स्टेटस में आपको आइडेंटिफाइड का स्टेटस आ रहा है तो आप चाहें तो उसका आयुष्मान कार्ड डायरेक्टली उनके आधार कार्ड OTP से वेरीफाई करके बना सकते हैं। लेकिन जिस नाम के सामने आपको अनआइडेंटिफाइड का स्टेटस आएगा तो उसका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के उस मेंबर के आधार कार्ड OTP से वेरीफाई करना होगा जिसका आयुष्मान कार्ड यहाँ पर पहले से बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी फैमिली मेंबर का यहाँ पर आइडेंटिफाइड का स्टेटस आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी भी फैमिली का डायरेक्टली उसका आयुष्मान कार्ड EKYC करके बना सकता हूँ। तो जिस भी फैमिली का आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, बस आपको उनके नाम के सामने आइडेंटिफाइड के सामने एक्शन के बटन में EKYC के बटन पर क्लिक करना है। अगर EKYC स्टेटस में आइडेंटिफाइड का स्टेटस होगा तो यहाँ पर उस मेंबर का आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कंसेंट पेज आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यस को चेक करेंगे, फिर नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। फिर इनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे, फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी के लिए नीचे आपको आधार ओटीपी को सिलेक्ट करना है, आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, फिर से कंसेंट आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यस को चेक करेंगे, फिर नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। फिर से इनके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे। फिर आपके सामने बेनिफिशियरी के ई केवाईसी का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। फिर नीचे आएंगे फोटोग्राफ में, आपको बेनिफिशियरी के आधार कार्ड का फोटो ई केवाईसी फोटो में दिखेगा और नीचे आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिखेगा। इस कैप्चर फोटो पर क्लिक करके आपको बेनिफिशियरी का फोटो क्लिक करना है। कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कैमरा परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर आपके सामने कैमरा खुल जाएगा, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का फोटो कैप्चर करना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी का फोटो कैप्चर करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके इस नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे, फिर ईयर ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बेनिफिशियरी का ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे जैसा उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। फिर रिलेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है कि वो फैमिली हेड से क्या रिलेशन रखते हैं। तो ये उस फैमिली में डॉटर इन लॉ है, तो मैं यहाँ पर डॉटर इन लॉ सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी के आधार कार्ड का पिन कोड देना है, फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से विलेज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पर विलेज, सिटी, टाउन या सब डिस्ट्रिक्ट सर्च करने पर नहीं आता है तो बस आपको करना क्या है कि रूरल अर्बन में आपको रूरल से अर्बन में या अर्बन से रूरल में चेंज करके देखना है, यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा। सारा डिटेल देने के बाद नीचे आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, ई केवाईसी इज कम्प्लीटेड, आयुष्मान कार्ड इज रेडी फॉर डाउनलोड। यानी कि आपका ई केवाईसी कम्प्लीट हो चुका है, अब आप चाहें तो अपना आयुष्मान कार्ड इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ई केवाईसी कम्प्लीट करते ही आपका आयुष्मान कार्ड तुरंत बन जाता है और तुरंत आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। अपने स्टेटस चेक करने के लिए और आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको इस पेज पर आना है, स्टेट, स्कीम, डिस्ट्रिक्ट और सर्च बार में आधार नंबर देकर आधार नंबर यहाँ पर देंगे, फिर सर्च करेंगे। ठीक उसी तरह आपके सामने वन फैमिली फाउंड होकर आएगा, आपके सभी फैमिली का यहाँ पे नाम आएगा। बस आपको अपने नाम के सामने यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल करना है और अगर आपको ई केवाईसी स्टेटस में वेरीफाइड और कार्ड स्टेटस में आपको अप्रूव्ड का स्टेटस दिख जाता है तो इसका मतलब है कि आपका आयुष्मान कार्ड बन गया है, आप अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आना है एक्शन के बटन में, नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, फिर कंसेंट पे जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यस को टिक करेंगे, फिर अलाउ पर क्लिक करेंगे, फिर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे, फिर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आपके सभी फैमिली मेंबर का लिस्ट आ जाएगा, जिसका जिसका आयुष्मान कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। तो जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं बस आपको उसे यहाँ पर चेक करना है। फिर नीचे आपको आयुष्मान कार्ड का प्रीव्यू दिखेगा, नीचे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आयुष्मान कार्ड has been downloaded successfully, फिर यहाँ पे drive PDF को select करेंगे। ये रहा आपका आयुष्मान कार्ड, आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं या 3 डॉट पर क्लिक करके किसी को भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मैचिंग स्कोर 80% से कम होता है तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने रिकॉर्ड इज सेंड फॉर अप्रूवल का मैसेज आ सकता है। तो अगर रिकॉर्ड इज सेंड फॉर अप्रूवल का मैसेज आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपका सबमिशन अप्रूवल के लिए गया हुआ है। आपको 24 से 48 घंटा वेट करना है, फिर से आपको अपने स्टेटस को चेक करना है, आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इसी तरह का कोई भी ऑनलाइन सर्विस हमसे घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं आपके घर के कितने मेंबर का नाम आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में है या नहीं।